एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। दोस्तों, डेली पीआईबी डिस्कशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज की खबर 28 जून 2022 की आपके सामने लेकर आ गई हूँ। आइए, शुरू करने से पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आज कई सारी मिनिस्ट्रीज से न जाने कितनी सारी खबरें हैं जो आपके सामने आएंगी और आपके साथ हम विस्तार से इसमें चर्चा भी करेंगे। और उसके पहले आपके लिए एक बहुत फायदेमंद बात ये चल रही है कि अनअकैडमी पे 30 जून तक चल रहा है 20% ऑफ, मतलब आप 20% ऑफ पा सकते हो अपने सारे यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन पे। 12 महीनों का देख सकते हो आप, 17,000 बचाओगे। वही जगह 36 महीनों का अगर आप लेते हो तो आप 35,000 बचाओगे। काफी कुछ होता है ये अमाउंट, ठीक है ना। आप ये देखिए, इसमें सब सारा कॉम्बो है, ऑप्शनल वगैरह, तो अच्छी खासी सेविंग्स है। प्लस में आप देख सकते हैं 23,000 बचाएंगे, आइकॉनिक में 35,000 बचाएंगे। सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके मेरा कोड सिर्फ आईएस यूज करना है। इसके अलावा मनी टू फ्राइडे 7:30 बजे से प्रशांत धवन सर की क्लास होती है, इसमें भी आप रैंक के अकॉर्डिंग गिफ्ट वाउचर्स पा सकते हो। और पाथफाइंडर करंट अफेयर्स भी होते हैं हर सैटरडे शाम को 5 बजे से, इसमें भी आप रैंक के अकॉर्डिंग अपने गिफ्ट वाउचर्स पा सकते हो। सिंपली आपको मेरा कोड सिर्फ आईएस नहीं भूलना है कहीं पे भी, और लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लस मेरी क्लास के लिंक में भी आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोड से। आइए वापस आते हैं, एक एक करके मिनिस्ट्रीज की खबरें आपके सामने साझा करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें अगर, तो देखिए दोस्तों, डक कर्मयोगी क्या है, ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लॉन्च करा गया है यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा और श्री आपके जो देव सिंह चौहान जी के द्वारा है, मिनिस्टर ऑफ साइंस इनके द्वारा। आइए थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो देखिए चीजें हो जाती हैं, यहीं पे हो जाती हैं। देखिए, द कर्मयोगी पोर्टल है ताकि जो कॉम्पिटेंसीज हैं करीब 4 लाख ग्रामीण दक सेवक की और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज की, इन्हें और ज्यादा इन्हांस किया जा सके। पोर्टल क्या करेगा, पोर्टल इनेबल करेगा ट्रेनीज को कि वो एक यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग कंटेंट जो है वो एक्सेस कर पाएंगे, जिससे उनकी जो एक सर कह सकते हो कि कंटेंट ऐसा होगा टू इनेबल देम टू इफेक्टिवली, ताकि वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है डिलीवर कर सके नंबर ऑफ G2C सर्विसेज को फॉर एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दोस्तों, मेघदूत अवार्ड्स जो कंफर्म करे गए हैं टू रिकॉग्नाइज द गुड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसके लिए है। आप देख सकते हैं डक कर्मयोगी एक ई लर्निंग पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, लॉन्च किया गया है श्री अश्विनी वैष्णव जी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक एंड IT द्वारा, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन जी के द्वारा। ये पूरा यहाँ पे देखिए, आप ये देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है, लॉन्च ऑफ डक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल। नेक्स्ट हमारे पास जो खबर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से निकल के आ रही है। दोस्तों, खबर है कि इंडिजीनियसली यहाँ पे डेवलप्ड लेजर गाइडेड ATGM सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO एंड इंडियन आर्मी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या है क्या नहीं है खबर। खबर ये है कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो ये लेजर गाइडेड ATGM सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO एंड इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी है, यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपके सामने खबर है पद्मा द सेंट्रलाइज स्पेस सिस्टम फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, ये लॉन्च हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ से खबर बताऊं तो इंडिया ने अश्योर किया है वर्ल्ड कम्युनिटी को कि प्रधानमंत्री मोदी कमिटेड है प्रोटेक्ट करने के लिए 30% हमारी लैंड, वाटर और ओशंस को, और अडेयर है टू इट्स कमिटमेंट ऑफ 30x30 बाय 2030। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से खबर है कि श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एड्रेस करा इंडियन टुडे एजुकेशन कॉन्क्लेव 2022 को। वही जगह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से है कि फॉरेस्ट क्लाइमेट मतलब एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से खबर है कि बैन लगाया जाएगा, ये हमने डिटेल से कवर किया है, प्लास्टिक के आइटम पे फ्रॉम 1 जुलाई 2022 से।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से है कि नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के ये आगे हैं, और जो है आप यहाँ पे देख भी सकते हो इसके लिए जानकारी पूरा। हाँ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अप्रिशिएट करा है अचीवमेंट जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखने को मिली है, ठीक है, इसी के चलते अवार्ड्स हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स डे को सेलिब्रेट करा जाएगा 29 जून को। लास्ट हमारी जो न्यूज़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से है, जिसमें श्री पीयूष गोयल साहब, यूनियन मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल फैसिलिट करेंगे 126 एक्सपोर्टर्स को एट 23rd हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड्स के अंदर। ये पूरी खबर है, आपको अच्छी लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।